की मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर है। मंत्री बनने वाले जो जो सांसद हैं उन्हें फोन कॉल जाने अब शुरू हो गए हैं, संभावित मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रहलाद जोशी का नाम इसमें है, राजनाथ सिंह को भी कॉल आ गया है, नितिन गडकरी को भी फोन कॉल आया है। साथ ही साथ जानकारी ऐसी कि TDP से दो सांसदों को फोन कॉल गया है, पी चंद्रशेखर, पेमा सानी, राम मोहन नायडू को फोन कॉल गया है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी कॉल आया है। JDU नेता रामनाथ ठाकुर को भी फोन कॉल गया है। इसके अलावा JDS से कुमार स्वामी को भी फोन कॉल गया है। ये सभी वो चेहरे हैं, वो सांसद हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए ये फोन कॉल गया है। चिराग पासवान, जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, इन्हें भी फोन कॉल गया है। अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन कॉल गया है। ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको लेकर आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज पहले भी जानकारी दे रहा था कि इन सभी चेहरों को शामिल किया जा सकता है। लगातार तीसरी बार बन रही NDA की सरकार, तीसरी बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ऐसे में इन संभावित चेहरों को लेकर जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी, और अभी जानकारी ऐसी है कि इन सभी संभावित चेहरों में से फोन कॉल जाने शुरू हो गए हैं। कुछ को कल शाम में फोन आया है, हो सकता है कुछ को आज सुबह में फोन जाए। आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। सभी की समर्थन के साथ ही जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया, और उसके बाद अब जो तैयारी है वो शपथ ग्रहण की है। किस किस को कहां कहां से फोन कॉल गया है और कौन से वो बड़े चेहरे हैं, कुछ जानकारी जो आपके TV स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है आज की, ये नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहुंचे थे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, राजघाट पहुंचे थे, वहीं पर अब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल भी पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर अब शाम की तैयारियों में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अब पैनी नजर रखते हैं। मेरे सीनियर कुलीग अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अरविंद, जब से ये साफ हो गया है कि NDA की सरकार देश में एक बार फिर से बनने जा रही है, और ये लगातार तीसरी बार है, तब से चर्चा उन शहरों को लेकर है कि किस राज्य से कितने मंत्री होंगे। जानकारी यूपी से क्या है? रचना, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो NDA है उनकी सीटों की संख्या काफी कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 33 और 3 उनके NDA के जो घटक दल है उन्होंने सीटें जीती। अब महत्वपूर्ण ये होता है कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश से सीटों उन लोगों के नाम की चर्चा कर देता हूँ जिनके मंत्री बनने की पूरी संभावना है। उसमें राजनाथ सिंह सबसे प्रमुख हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जयंत चौधरी को मंत्री बनाया जाएगा, अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जाएगा, जतिन प्रसाद को ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया जाएगा। उसके अलावा पंकज चौधरी, जो कि महाराजगंज से 7वीं बार चुनाव जीत के आए हैं, OBC कोटे से आते हैं, उनको मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। उसके अलावा अगर हम पिछली बार देखें तो कुल 12 मंत्री थे। ऐसे में महेश शर्मा का दावा भी बड़ा है। महेश शर्मा जो कि दिल्ली के सटी हुई सीट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी संख्या में चुनाव जीत के आए हैं, उनके भी मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पूर्वांचल जो है बहुत बड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल में RPN सिंह के नाम की चर्चा चल रही है कि इनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि पिछली बार सरकार में मंत्री थी, वो चुनाव हार गई हैं। उसके अलावा बड़े नामों में अमेठी से जिस तरीके से स्मृति ईरानी की हार हुई है, तो किसी न किसी को अब जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें कुछ और नाम मैं बता सकता हूँ, साक्षी महाराज जो कि कई बार से सांसद रहे हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। राजकुमार चाहर और सुरेंद्र नाग पासवान भी इस दौड़ में शामिल हैं। तो मैं इतने नामों के, संभावित नामों के नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो मंत्री होंगे उसमें राज्य प्रभार भी होंगे और राज्य मंत्री भी होंगे। कैबिनेट स्तर पे एक दो लोगों का मिल सकता है, और मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह के अलावा अगर किसी को कैबिनेट बनाया जाएगा तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पंकज चौधरी उसमें सबसे प्रबल और सबसे प्रमुख उम्मीदवार है। बिल्कुल, आपने कई बड़े नामों को गिनवा दिया। BJP के पास खुद अपने भी बड़े चेहरे हैं और घटक दल के नेताओं को भी ये जिम्मेदारी मिलनी है, मंत्रिमंडल में शामिल करना है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर के लिए सीधा मैं वंदना करती हूँ। वंदना, क्या है बड़ी खबर? देखिए, मोदी 3.0 को लेकर उनकी शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। जो संभावित मंत्री हैं उनके नाम हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और बड़ी अपडेट लगातार मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई नाम अभी आपने भी गिनाए और अरविंद जी ने भी बताए। अब आपको बता दें कि निमंत्रण इस समारोह के लिए लगातार दिया जा रहा है तमाम नेताओं को, और जो भारत
वंदे भारत एक्सप्रेस के 4 महिला लोको पायलट को निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही कि वंदे भारत की लोको पायलट को भी निमंत्रण मिला है। 7 से 8 हजार लोगों के आने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है और ये तमाम वो खास मेहमान होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे, जिसमें सुरेखा यादव, प्रीति साहू और श्रीनिवास, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं, जिनको निमंत्रण भेजा गया है। मोदी 3.0 का जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसको लेकर कई दिन से तैयारियां चल रही हैं और जो खास मेहमान होंगे, हालांकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पर पहुंचेंगे। टीडीपी से 2 सांसदों को भी फोन पहुंचा है, ये सूत्र बता रहे हैं। चंद्रशेखर को फोन गया है, इसके अलावा राममोहन नायडू को फोन गया है। ये तमाम नेता जिनको फोन पहुंचा है, जीतनराम मांझी, जयंत चौधरी को भी फोन आया है। तो हम ये भी बता रहे हैं कि समारोह में कितने मेहमान होंगे, किस किस को फोन पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो संभावित मंत्री हैं उनके भी नाम हम बता रहे हैं। आज शाम 7:15 बजे ये समारोह होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां एनडीए की ओर से की गई हैं। संभावित मंत्रियों के नाम भी लगातार इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें टीडीपी से 2 सांसदों को फोन आया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कितने मंत्री इस बार हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में सरकार बनी थी, 282 सीटें बीजेपी के पास थी, उस दौरान 5 मंत्री सहयोगियों के बनाए गए थे। और 2019 की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। उस दौरान लगभग 4% यानी 3 मंत्री सहयोगियों को बनाए गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि बहुमत से 32 सीटें पीछे है भारतीय जनता पार्टी, सहयोगियों के सहारे सरकार एनडीए की बन रही है। ऐसे में कितना उनको कोटा दिया जाएगा, कितना मंत्री पद उनको दिया जाएगा, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन कौन से पोर्टफोलियो होंगे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही नाम भी आपको बता रहे हैं, जीतनराम मांझी को फोन पहुंचा है, जयंत चौधरी को फोन पहुंचा है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि सहयोगियों को किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा, कितने मंत्री सहयोगियों के दलों से बनाए जाएंगे। रचना, ये जो अलग अलग चेहरे हैं जिन्हें फोन कॉल गया है, इनको लेकर इंडिया न्यूज ने पहले ही जानकारी दे दी थी और एक एक करके अलग अलग राज्यों का भी हम रुख करेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ अलग अलग पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज का खास मौका है, देश को नई सरकार मिलने जा रही है और एक बार फिर से, और ये लगातार 3री बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अरविंद मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ में संजय श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं जो जानकारी मुझे देंगे उत्तराखंड के बारे में। आशिफ इकबाल मेरे साथ में असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं जो बिहार को लेकर जानकारी देंगे। शक्ति कुमार ब्यूरो चीफ बिहार से मेरे साथ में है। आर के मिश्रा बीजेपी के नेता हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, आज तो चेहरा अलग ही खिला हुआ है। अजय वर्मा भी मेरे साथ में है, कांग्रेस नेता है। और साथ ही साथ संजीव कौशिक मेरे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एडवोकेट चांदनी प्रीति राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, राहुल लाल जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। चूंकि यूपी से अभी अरविंद ने जानकारी खास पहुंचाई है और कई बड़े नामों का जिक्र कर दिया, लेकिन आशिफ इकबाल क्या बिहार से भी इतनी ही लंबी लिस्ट सामने आने वाली है? आशिफ अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सॉरी रचना, सबसे पहले कि आपको ये पहले भी मालूम था कि बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य होने वाले हैं जहां से सबसे ज्यादा मंत्री होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सहयोगियों की संख्या भी बिहार से बड़ी हुई है। 3 नए सहयोगी हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह देनी है, तरजीह देनी है। जेडीयू है, एलजेपी है और जीतनराम मांझी की हम पार्टी है। और लगभग इन लोगों को जिनको कॉल चला गया, वो जैसा कि आपने भी बताया, तमाम रिपोर्ट आपके पास है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होगी इस बार मंत्रिमंडल में बिहार की संख्या बढ़नी लाजमी है। आपको बताऊं कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री होंगे, जिसमें से साफ तौर पर रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह को फोन चला गया है। चिराग पासवान को पहले से ही माना जा रहा था, क्योंकि अगर सबसे पहले किसी की बात तय मानी जा रही थी तो चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने चुनाव खत्म होते ही तुरंत सबसे पहले समर्थन पत्र दिया और उसके बाद कहा कि जो प्रधानमंत्री का आदेश होगा वो मैं मानूंगा। जीतनराम मांझी को फोन चला गया और सबसे इंटरेस्टेड जो है वो है बीजेपी से कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी से जो पहले मंत्री थे उसमें आर के सिंह इस बार हार चुके हैं चुनाव। तो इस बार नए लोगों में क्या, जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी जो पहले मंत्री थे, क्या उनको एडजस्टमेंट होगा, ये देखना दिलचस्प है। अभी तक इन लोगों को फोन नहीं गया है, लेकिन इंतजार करना होगा थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि फोन जाना है, क्योंकि 11 बजे तक सबको पहुंचना है, चाय पर नियंत्रण मिलने वाला है। कल रात में, देर रात में अमित शाह ने, गृह मंत्री ने भी एक इंडिकेट कर दिया था कि किसको किसको हम बुला रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को आना है।
खास तौर पर आप समझना होगा कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, इन लोगों को फोन चला गया। अब बीजेपी कोटे के जो लोग हैं खासतौर पे, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो आपको राजीव प्रताप रूडी हो, रविशंकर प्रसाद हो, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, दिलेश्वर कामत का भी नाम अभी, क्योंकि जेडीयू कोटे से ये माना जा रहा है कि दो कैबिनेट एक एमओएस की बात हो रही, तो उसमें दिलेश्वर कामत का नाम भी सामने आ रहा है। बीजेपी से इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और ब्राह्मण चेहरे में, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे पिछली बार अश्विनी चौबे थे, इस बार अश्विनी चौबे नहीं है, तो गोपाल जी ठाकुर का नाम ब्राह्मण चेहरे से आ सकता है। भूमिहार की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह उसमें प्रबल है, लेकिन इस बार नवादा में उनके जस्ट बगल में, बेगूसराय के बगल में नवादा से विवेक ठाकुर जीत के आए हैं और विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि बिहार और यूपी को, एक बात और जैसे अरविंद जी ने बताया, बिहार और यूपी का जिक्र सबसे ज्यादा है और शक्ति से मैं समझ लेती हूं, हां बहुत जरूरी है वहां, कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ जो घटक दलों के नेता हैं उन्हें भी साथ में लेकर चलना है। शक्ति, जब से नतीजे सामने आए हैं विपक्ष एक अलग ही तेवर में, या ये कहिए कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, और इधर बीजेपी जो कि घटक दलों के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है और लगातार ये तीसरी बार है, लेकिन विपक्ष के अलग अलग लीडर, इनफैक्ट आज सुबह में भी कई लीडर ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू से नीतीश कुमार चुप बैठ जाएंगे तो ये गलतफहमी है। वो अभी तक भी इस तरह के बयान दे रहे हैं जबकि आज शपथ ग्रहण है। जब घटक दलों को साथ में लेकर चलना है तो खुश भी रखना होगा। क्या इस बार ये समझे हैं कि बिहार से सबसे ज्यादा मंत्री होंगे यूपी के साथ साथ? जी रचना, बिल्कुल। देखिए बिहार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी अहम रखता है। न सिर्फ आपको बताएं कि इस बार जो मंत्रिमंडल का जो जिस तरह से स्वरूप होगा, जो प्रारूप होगा, जिसमें कि तमाम घटक दल के जो सदस्य होंगे उनकी इसमें भागीदारी होगी, ये न सिर्फ मंत्रिमंडल बल्कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम जो दल हैं बीजेपी के साथ, जो एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है, जितेंद्र मांझी की पार्टी हम है, इस तमाम जो गठबंधन के जो सदस्य हैं सभी को इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग पासवान को फोन कॉल किया, सबसे पहले आपको बताया कि इंडिया न्यूज़ ने बताया था कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को जो है मंत्रिपद में शामिल किया जाएगा। और आपको बताया कि एक चेहरे और भी जेडीयू से हो सकते हैं, उनको भी कॉल जाएगा थोड़ी देर में। और सबसे अहम ये है कि जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा, न सिर्फ एनडीए के तमाम दल, आपको बताया कि जिस तरह से हुआ रामनाथ ठाकुर जो है अति समाज से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, कर्पूरी ठाकुर वही हैं जिन्हें भारत रत्न और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ललन सिंह जेडीयू के कद्दावर नेता है, भूमिहार समाज से आते हैं और उनका जेडीयू में काफी उनका पकड़ भी रहा है। उसके अलावा आपको बताएं कि जीतन राम मांझी अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो उनके भी शामिल किया। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से दो तीन नाम हो सकते हैं। सबसे अहम है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो तीसरी बार सांसद बन के आए हैं, उन्हें जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं और बिहार से एक मास ब्राह्मण चेहरा जो कि गोपाल जी ठाकुर हैं उनको भी बीजेपी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव समझ में आ रहा है कि घटक दलों के नेताओं को साथ में रखना है, मिलाकर चलना है। इस बार तो ये जरूरत भी है कि सबको मिलाकर साथ में रखा जाए, क्योंकि बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल नहीं किया है 2014 और 19 की तरह। और हाँ, आपकी बातों से ये इशारा भी मिल गया, जैसे भी आशिफ इकबाल ने जिक्र किया, कास्ट इक्वेशन मस्ट है, इस बात का ख्याल रखना कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस जाति से आता है, इसका भी ख्याल मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। आप रहिए मेरे साथ में, आप चूंकि आर के मिश्रा भी मेरे साथ में है, संजीव कौशिक भी मेरे साथ में है, उनका रुख करूं, लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी, ये जो विपक्षी नेता हैं अलग अलग तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस क्या दिखा रहा है? आज तो शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे ठीक पहले भी अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को लेकर, तो ये इंडिकेशन क्या है? रचना जी, देखिए विपक्ष बिल्कुल सही चीज कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब से मुख्यमंत्री भी थे वो प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के लिए अभ्यस्त रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने जो है कि जो दो बार सरकार चलाई है वो प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम लोग 2019 को याद करते हैं तो ध्यान होना चाहिए कि उस समय इन्होंने जो मंत्रिमंडल जो सहयोगी दल थे एनडीए के घटक दल, उनको केवल संकेतात्मक तौर पर जो है कि मंत्रिमंडल में एंट्री दी थी। यानी आपके कितने भी सदस्य हों केवल और केवल एक बर्थ वो देने के लिए उस समय 2019 में शर्त रखी गई थी।